एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ज़्यादा टेस्टी सॉफ्ट स्पंजी चॉकलेट क्रोशंट की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया 1/4 कप मिल्क और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया नमक और ड्राई ईस्ट। 2 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर ले लिया, पीसी हुई चीनी, 1 एग डाल के इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है बीटर की हेल्प से। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मैदा। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा डाला है और 1/2 कप आपको और लगेगा। तो सबसे पहले 1 कप मैदा डाल के इसे अच्छे से मिला लें एंड देन उसके बाद आप 1/2 कप मैदा और डाल के और इसका एक अच्छा सा आपको डो बना लेना है। तो 1/2 कप मैदा डाल के इसे अच्छे से आपको मिला के रख लेना होगा। मिला के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रख लें और उसके बाद आपको उसे ढक के रख लेना है। उसके बाद आपको इसमें बटर ऐड कर लेना होगा। तो 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून बटर इसमें ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से आपको बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है। इस तरीके से आपको अच्छे से गूंद के सॉफ्ट डो बना लेना है। यहाँ पे जब आपका सॉफ्ट डो बन जाए इसे आपको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है ऑलमोस्ट 1 आवर। तो यहाँ पे मैं फर्मेंट छोड़ने के लिए 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैंने ऊपर से पेपर प्लास्टिक रैप लगा लिया है। उसके बाद 1 घंटे के बाद जब हमारा डो फर्मेंट हो जाए तब आप इसे अच्छे से एक रोटी के तरह गोल बेल लीजिए और जो इसकी साइज़ होगी वो नॉर्मल टू मीडियम होगी, एकदम पतली भी नहीं एकदम मोटी भी नहीं। यहाँ पे फिर मिडल में मैंने यहाँ पे क्रश डार्क चॉकलेट लिया है, उसे मिडल में डाल के इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। पहले नीचे 2 साइड इस तरह फोल्ड करके आप कर लें एंड ऊपर का साइड इस तरीके से रख लीजिए। इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए एंड पीछे भी मैं इसे जॉइन कर लूँगी। इस तरीके से आपको जॉइन कर लेना है और फिर मैं नाइफ़ की मदद से इसे पोक करूँगी ताकि जॉइन ही रहे, फ्राई करते टाइम खुले ना। तो इस तरीके से आपको पहले हाथों की मदद से एंड देन नाइफ से इस तरीके से जॉइन कर लेना है। उसके बाद लो टू मीडियम ऑयल पे आपको इसे फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इस तरीके का जब कलर आ जाए मीडियम फ्लेम पे तब इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लीजिए। ऊपर और इसे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने मेल्ट की थी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, उसे मैं डाल दूँगी और थोड़े से यहाँ पे चोको चिप्स के स्प्रिंकल्स डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है गाइस, इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, नीचे कमेंट करें, मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए किस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।